नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 12 कोर्ट में। आज DBA 2020 जिला बार एसोसिएशन 2020 का चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, अन्य 7 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। यहाँ पर वकील लंबी लाइनों में लगे हैं। हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, इससे पहले भी हमने आपको लाइव वीडियो दिखाई थी। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। लोगों को मास्क वितरित किया जा रहा है, जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है, और ये अच्छा काम है। मास्क लगाना चाहिए, खासकर जब 2-4-10 लोगों के बीच में कोई खड़ा होता है तो मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर अकेले में कोई खड़ा है तो ज़रूरी नहीं कि मास्क लगाया जाए, क्योंकि कोरोना जो है हमेशा भीड़ में फैलता है। यहाँ पर देखिए, ये फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट के बाहर, और वकील देखिए कितनी लंबी लाइनों में खड़े हैं। बहुत लंबी लाइन है, देखिए कितनी लंबी लाइन है। और करीब 1-2 घंटे बाद इनका नंबर आएगा, लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये अपने अपने उम्मीदवारों को वोट देकर ही यहाँ से जाएंगे, और 5 बजे तक वोट होगा। देखिए यहाँ पर वकील लोग खड़े हैं और हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मधुकर वर्मा जी, वोट देने आए हैं फरीदाबाद में? मैं वोट दे चुका हूँ। दे चुके हैं? करता। अच्छा 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 कि वो शाम को 4 बजे से पहले ज़्यादा संख्या में आकर अपना बहुमूल्य वोट दे तो आज भी कितनी वोटिंग हो गई है कुछ पता है आप? आई थिंक अभी 550 वोट हो चुके हैं। कितने टोटल वोट हैं? 2700 वोट के आसपास हैं। 2700 वोट हैं और 12 बज रहे हैं और 500 हो गए, तो मुझे लगता है 3-4 बजे तक वोटिंग चलेगी। 4-4:30 तक। क्या अपील है? मेरी अपील यही है अपने सारे वकील भाइयों से, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, संख्या में आए, जो घर पर हैं वो भी टाइम निकाल कर आए। और वोट देना वकीलों का राइट भी है, साल में एक बार वोटिंग होती है। और DBA जो होता है, फरीदाबाद का DBA जिला बार एसोसिएशन, वही वकीलों के हित के बारे में फैसले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, वकीलों को क्या परेशानी आ रही है, DBA ही इस बारे में जो है वकीलों की परेशानी देखकर उस पर कार्रवाई करता है और उनकी परेशानी दूर करता है। तो इसलिए वकीलों को भी वोट देना चाहिए, यही आपकी अपील है, सभी को वोट देना चाहिए। तो यहाँ तो बहुत लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं, ऐसा लगता है 1-2 घंटे बाद नंबर आ रहा है। इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से, COVID-19 जो एक महामारी है, उसकी वजह से अंदर जो है उसी तरीके से हम गैप सिस्टम बना रखा है, मास्क सिस्टम है। अच्छा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है टाइम लग रहा है। हाँ, बाहर लाइनें जरूर है, भीड़ है, पर अंदर उतना भीड़ नहीं है। अंदर पीसफुली और एक्यूरेटली सारे इलेक्शन हो रहे हैं, सारी वोटिंग आराम से हो रही है। EVM से हो रहा है मतदान। आपको कितना समय लगा वोट देने में? मेरे को अंदर हाफ आवर लगा बस। नहीं, अंदर जाने के बाद 5 मिनट लग रहा है। अगर आप अंदर, ये गेट जो है, गेट से अंदर अगर आप पहुंच गए तो 5 मिनट में वोट हो जा रहा है। अच्छा, और EVM मशीन के आसपास आपको 2-3 मिनट। अच्छा, 2-3 मिनट लगेंगे। कोई वहाँ पर परेशानी तो नहीं है? नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। EVM में सिर्फ बटन ही दबाना है। कितनी EVM रखी गई है? आई थिंक 4 बूथ है वहाँ पर। हाँ, और मशीन तो जितने उम्मीदवार हैं क्या उतनी EVM है? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। जितने ग्रुप चार ग्रुप बनाए हैं और अच्छा, पे जो है, हाँ, अच्छा अच्छा जो है, हाँ, 7 उम्मीदवार हैं। अच्छा, 5-7, 4-5 EVM है, 5-6 मशीनें हैं। 5-6 मशीनें हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना वोटिंग? बस यही है, आप यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें लोग, वकील। तो देखिए, आपने वकीलों से हमने बातचीत की और लंबी लाइनों में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट का नज़ारा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, देखिए लंबी लाइन है, 200-300 वकील हैं लाइनों में जो लगे हुए हैं, ये देखिए। देखिए लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए। सर, वोट देने आए हैं, लाइनों में लगे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? आराम से।
कितने बजे तक है मतदान, कुछ है अंदाज़ पता? 5 बजे तक है। ईवीएम से मतदान हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका सर क्या कहना है? वोट देकर ही जाएंगे। अच्छा, हाँ जी सर, सर हाँ बताइए 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 सर, क्या माहौल है यहाँ पर, क्या माहौल है यहाँ पर? टक्कर है, बहुत कंपटीशन, अच्छा टक्कर अच्छी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कि वेल हमारे जो प्रधान जी है बहुत निखर के आएंगे। अच्छा अच्छा, अच्छे प्रधान आपको मिलेंगे जो वकीलों के हितों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करें। बिल्कुल, सारों ने मतदान, अच्छा हाँ, उसी को उन्हीं को उन्हीं बंदे को निखार के लाएंगे। अच्छा, कितने वोट हैं, कुछ है अंदाजा पता है कितने वोट हैं टोटल? 3,000 के आसपास। अच्छा अच्छा, और कितनी हो गई वोटिंग, कुछ है पता? अब तक अराउंड 700-800 हुई है अभी। अच्छा, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नमस्कार। उम्मीद है कोई निकल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद आपकी, धन्यवाद। अंदर भी लाइन है, क्या हाल है वकील साहब? वोट दे रहे हैं आज? वोट दे रहे हैं। अच्छा, सारे वकील आ गए, कितने वकील वोट देंगे और वकीलों से क्या अपील है आपकी, थोड़ा सा ये बताइए। अपने अपने उम्मीदवार को जो भी अपने प्रत्याशी उनको वोट दो, सभी वकील वोट दें, यही अपील है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सर। क्या नाम सर? जी, आपका फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ पे लाइव चल रहा है ये वीडियो, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हमने आपको लाइव दिखाया फरीदाबाद कोर्ट में, जिला बार एसोसिएशन 2020 का चुनाव चल रहा है। हर साल ये मतदान होता है जिसमें प्रधान, उप प्रधान, ट्रेजरर और भी अन्य 7 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। और यही जो टीम है, डीबीए की टीम है, वकीलों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले करती है, वकीलों की परेशानी दूर करती है, जो ये डीबीए की टीम है। तो ये चुनाव आज हो रहे हैं, शाम तक नतीजे आ जाएंगे और शाम को हम नतीजे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हम ये वीडियो क्लोज कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।